तो भाई लोगों ये है ओला का S1 एयर, मैं दिखा दूं भाई को, ये ओला का S1 एयर है भाई। और ये गाड़ी जो है भाई आप देख सकते हो 3000 किलोमीटर चल चुकी है। तो थोड़ा इस गाड़ी के बारे में बात करते हैं भाई, अपने यारी दोस्ती की गाड़ी है और इसको ना कंपेयर बेसिकली हम दो गाड़ियों से और कर सकते हैं। एक तो मेरी ओकिनावा हो गई R30, उससे हम नहीं कंपेयर करेंगे, पर इसको जो है कंपैरिजन में ना हम जो सबसे मेन कंपैरिजन होगा इसका एक प्रेज प्रो के साथ होगा, और एक है एथर 450 जो S मॉडल है उसके साथ। तो भाई शुरू कर। तो भाई जो सबसे मेन बात है जो इसमें भाई या फिर कह लो ओला की ही एक तरह से स्पेशलिटी है भाई, वो कि भाई इसका टॉर्क जो है भाई, जो इस गाड़ी का पावर है भाई, वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल का है। और कहीं ना कहीं जो है ना इसमें एक मज़ा सा आता है इसको चलाने में, हालांकि इसमें भाई हब मोटर ही है पर भाई मज़ा ज़रूर है भाई इसमें। उसके अलावा भाई इसका रिवर्स मोड है जो कि अगेन बहुत काम का चीज़ है। तो ये इसका रिवर्स मोड है भाई जो कि थोड़ा बहुत काम में आ जाता है भाई जब बहुत स्टीप ऐसी चढ़ाई वगैरह होती है। हेडलाइट की बात कर ले भाई तो हेडलाइट भी बहुत मज़ेदार है इसका। अगर मैं इसको थोड़ा बीम दिखाऊं तो भाई इस तरह से आप देख सकते हो हेडलाइट मज़ेदार है भाई। और बलेनो और स्विफ्ट वाले जो ऐसा हाई बीम में चलाते हैं उनके लिए ठीक ठाक सा काम ये कर जाता है, लो बीम वो कर लेते हैं। बस है कि आप इसको फ्लैश बहुत जल्दी नहीं कर सकते, आप अगर देखो तो बहुत जल्दी आप इसको फ्लैश नहीं कर सकते, स्विच जो है ऐसा लगता है कि टूट वगैरह जाएगा। इसके अलावा जो इसका ऐप वगैरह है उसे भी आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं जो कि ठीक है भाई। और इसके अलावा जो मेजर हमें रेंज वगैरह है वो भाई ये एक तरह से जो है ना ये ट्रू ही दिखाता है, आप इसको अगर ऐसे देखो तो जो आप इसमें देख रहे हो ना ये एक तरह से ये ट्रू रेंज ही आपको दिखाता है भाई। तो मतलब ठीक है, ऐसे मुझे कोई इसमें प्रॉब्लम वगैरह रहेगा नहीं रेंज का तो भाई। लेकिन अब इसके ना नेगेटिव्स पर आते हैं, और सबसे बड़ा नेगेटिव जो इसमें लगाना भाई जो कि है इसका ये स्क्रीन भाई, सॉफ्टवेयर बहुत ग्लिच है भाई, कभी कुछ ख़राब हो जाता है कभी कुछ ख़राब हो जाता है, कोई ठीक नहीं है भाई। जिस दिन इसको कोई दिन उठेंगे मन करेगा भाई इसको कुछ काम करेगा, कुछ दिन कोई काम नहीं करेगा भाई वो है भाई। उसके अलावा जैसे हम ना आप ये देख सकते हो, ये आप देख रहे हो ऐसे ना पार्किंग से निकल रहे थे और ऐसे हल्का सा इधर मारा और भाई ये लग गया, और इस साइड भी भाई ऐसा ही कुछ है। ये जिसकी स्कूटी है ना वो सीख रही है एक्चुअल में इसको चलाना, तो मतलब ये सब हिसाब किताब है थोड़ा सा इसका है ना, ये चार्जिंग पोर्ट वगैरह है। क्वालिटी इसकी ना टॉप नॉच बिल्कुल भी नहीं है, और जैसे ये तो कलर फिर भी ठीक लगता है, लेकिन अगर हल्का सा कोई दूसरा कलर होता है ना भाई, मैं उस साइड से दिखाता हूँ, दूसरा कलर हो जाता है ना भाई इतना गंदा दिखता है ना भाई ये नीचे का ब्लैक वाला पोर्शन, ठीक है भाई। और भाई एक इशू जो इसमें हमें आया है वो हमें इसका पावर लॉस समझ में आया है। जैसे क्या होता है ना चलते फिरते कभी भी ये जैसे ना, जैसे देखो भाई ये लॉक हो गया और बात क्या है कि इसका पिन मुझे याद नहीं है, तो मुझे कोई आइडिया नहीं है कि मैं इसे दोबारा चालू कैसे करूँगा। खैर अब क्या है ना इसमें एक अचानक से ना ये जैसे थोड़ा बहुत हीट हो गया थोड़ा बहुत चलेगा ना ये भाई मतलब अपने आप ही भाई ऐसा दम सा तोड़ देगा। चक्कर क्या है कि ना इसको मैं फिर से मुझे कॉल करना पड़ेगा जिसका है वो इसको ऐप से खोलेगा। जैसे ना अगर आपकी स्क्रीन पे कभी कभार धूल वगैरह जम जाता है तो आपको देखो ऐसे ये देखें आप ये इस तरह से पॉइंट्स बन जाते हैं, अब भाई बंदा को पासवर्ड पता लग जाएगा। उसके बाद नेगेटिव आता है भाई सर्विस, ये एक तरह से सारे इलेक्ट्रिक स्कूटर के ब्रांड्स के साथ ये प्रॉब्लम है भाई, सर्विस इनकी आप समझ के चलो ना बर्बाद है बिल्कुल ही। मतलब ये सर्विस के नाम पे आपको कुछ भी नहीं देंगे, सर्विस सेंटर भाई जैसे ही मेरा घर है ना इस गली में यहाँ से बिल्कुल सीधा जाके ही सर्विस सेंटर है, और मैं रोज़ देखता हूँ भाई कोई ना कोई ओला का वो वैन किसी ना किसी स्कूटी को लेकर के जा ही रहा होता है, कभी ना कभी हर किसी स्कूटी में एक ना एक प्रॉब्लम आ ही रही होती है। सुनवाई बिल्कुल ही आप मान के चलो ज़ीरो है, अगर आपका किस्मत अच्छा हुआ आपने भैया भैया करके उनसे काम करवा लिया तो ठीक है, नहीं तो भाई भगवान भरोसे रहता है।